कॉलेज मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से जो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ दो तरह के कोर्सेज ऑफर हम लोग करते हैं, एक बीटेक करते हैं और दूसरा हम लोग पॉलिटेक्निक करते हैं। बीटेक में हमारे यहाँ 6 डिफरेंट ब्रांचेस है जो हम लोग रन करते हैं और पॉलिटेक्निक में 3 डिफरेंट ब्रांचेस है जो हम लोग रन करते हैं। बीटेक जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है, वो डिग्री कोर्स होता है, और जो पॉलिटेक्निक है वो 3 साल का कोर्स होता है। हमारा कॉलेज 37 ईयर्स ओल्ड पुराना कॉलेज बिहार का, जो 1987 में स्टैब्लिश हुआ था, और अभी इसका जो सिटी सेंटर अनिसाबाद बाईपास के पास इसका सिटी सेंटर सिटी ऑफिस है, और हमारा मेन ऑफिस जहाँ पर कॉलेज है वो न्यूरागंज न्यूरा कहलाता है, वो वहाँ पर अवस्थित है ये कॉलेज पिछले 37 वर्षों से। उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही हमको मिलेगा यही हम सोच रहे हैं। बाकी लगभग हमारे पास कोई 67 एक इंक्वायरी आई है, तो अब उसमें देखते हैं कौन बच्चा कैसे अचीव करता है, कैसे हो पाता है। कुछ बच्चे MBA के आए हैं, कुछ BTech के आए हैं हमारे पास, कुछ फार्मेसी के कुछ बच्चे आए हैं। MBA में हमारा 70,000 रुपये फीस है सर, और हॉस्टल मिला के 1,40,000 का पैकेज है सर। कि गर्मी, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और 47-48 टेम्परेचर में AC फेल हो गया है, तो अब इसमें A to Z का तो कोई वो नहीं है, ये तो होटल की जो कमियां हैं, अब होटल को उसके लिए अपना सुधार करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी जहाँ हम लोग 70 से ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन डाइटिस्ट। एक हमारा कॉलेज और पानीपत में ही है, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपडेटेड है, जिसके अंदर हम लोग BA LLB, BBA LLB, LLB और LLM प्रोवाइड करवाते हैं। हम लोग अपने कॉलेज मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ